इसको सॉल्व करोगे तो वर्क फंक्शन फॉर ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल, अगर एक हमारे पास फोटो सेंसिटिव मटेरियल है जिसका फाई दिया हुआ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका है, द वेव लेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन विच स्टॉप द फोटो 5 वोल्ट लाई, कहता है वेव लेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, एक मेटल का सरफेस है प्यारे बच्चों, इस मेटल के सरफेस पे अगर मैं वर्क फंक्शन इसका दिया हुआ है इतना है, अब वेव लेंथ इंसिडेंट इस पे जो लैम्डा पड़ा वो या तो एक्सरे या तो अल्ट्रावायलेट या इसमें से कुछ होगा, वेव लेंथ इंसिडेंट फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए उन इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे रोकना हो स्टॉप करना है तो एनोड पे निगेटिव टर्मिनल लगाते हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर और दैट इज ई वी सी कट ऑफ वोल्टेज, तो ई वी सी कट ऑफ वोल्टेज जो वो 5 वोल्ट वी सी की वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे 5 वोल्ट कट ऑफ वोल्टेज 5 वोल्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसमें से जो लैम्डा है जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो क्या होगा, क्या इंफ्रा रेड रे होगा, एक्स रे होगा, अल्ट्रावायलेट या विजुअल, ये बात कैसे पता चलेगी, ये बात तब पता चलेगी जब हम इस लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे और जो अपना स्पेक्ट्रम था गामा रे एक्स रे विजुअल लाइट उनमें जाके कंपेयर करके देखेंगे तब ये क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले लैम्डा निकालते हैं देखते हैं कितना आता है, तो आइंस्टाइन के एनर्जी कंजर्वेशन से ई इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो ई वी सी के इक्वल है और वी सी ये 5 वोल्ट है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया तो यहाँ से जो एनर्जी है उसकी वैल्यू देखते हैं हम लोग, हाँ एनर्जी ई इज इक्वल टू एच सी अपन लैम्डा और दैट इज वर्क फंक्शन, यहाँ से देखो वर्क फंक्शन देखो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है प्लस और ये सब स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी 5 ई के इक्वल आ जाएगी और ये 6.2 मतलब ये आ जाएगा 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एस सी की वैल्यू है एस सी लैम्डा। तो लैम्डा जो आएगा ऑब्वियसली एंगस्ट्रॉन में आएगा और मैं आपको बताया हूँ एंगस्ट्रॉन में लैम्डा की वैल्यू 12 नंबर 420 ये होता है और ये 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो लैम्डा डिवाइड ठीक है 11.2 ये आ जाएगा ना, हाँ 11.2, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो जो लैम्डा आएगा प्यारे बच्चों वो एक्चुअली एंगस्ट्रॉन में आएगा, 10 से 10 मल्टीप्लाई कर देना तो यह आ जाएगा 1.0 और 8 ये इतना एंगस्ट्रॉन आ जाता है, इसको सॉल्व कर लेना तो इसको कैलकुलेट करना देखना कितना आता है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.88 और 0.9 एंगस्ट्रॉन इतना कुछ आ जाएगा ये वाला, तो ये 1.108 एंगस्ट्रॉन इतनी वैल्यू जो आ जाएगी प्यारे बच्चों वो लैम्डा एंगस्ट्रॉन में है। तो अब हमें लैम्डा जो इसको अगर मैं क्योंकि जब मैं स्पेक्ट्रम देखूंगा, अगर तुम ये पढ़े होगे यहाँ से गामा रे एक्स रेज अल्ट्रावायलेट रेज विजुअल रे इंफ्रा रेड रे इस टाइप से पढ़े होगे और इस टाइप से हम पढ़े जाते हैं, हमें पता है कि विजुअल की जो रेंज होती है वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है क्लियर है। और यहाँ से जो एक्स रे होती है ये अल्ट्रावायलेट रे और ये 10 नैनोमीटर होती है और ये आगे आपको याद होगा, तो जब मैं इधर से इधर जाता हूँ तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और एनर्जी इंक्रीज होता है वो सबको आपको पता है। तो विजुअल लाइट जो होती है वो 400 से 700, तो अब यहाँ से वो 10 नैनोमीटर है तो जो 1, अब इसको पहले तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करो तो ये जो लैम्डा आ जाएगा वो 110 और 8.9 एंगस्ट्रॉन में है तो 10^-10 मीटर और नैनोमीटर में कन्वर्ट के लिए 10^9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है तो ये 9 और 1 पॉइंट और मतलब 110.8 इतना नैनोमीटर वेव लेंथ आ जाएगा, ये वाली वेव लेंथ है। तो अब जब वेव लेंथ है या जब कंपेयर करोगे तो ये 10 अल्ट्रा एक्स रे और अल्ट्रा वायलेट रे मतलब इस रीजन में लाई करेगी जहाँ अल्ट्रा वायलेट रीजन रे मतलब ये अल्ट्रा वायलेट यूवी का रेंज है। तो हमने जो लैम्डा डाला था
वो अल्ट्रा वायलेट विजिबल लाइट रही होगी यहाँ से, अल्ट्रा वायलेट मतलब सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो